गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट जो है आपका मैथ्स है, यूनिट 5 आपका चल रहा है और क्वेश्चन नंबर सी से बताना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। यहाँ दो नंबर दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं और सेकेंड नंबर को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। इसको मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं और इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो पहले गुना करके चलिए हम देखते हैं। 5 5 3 15 15 का 5 हाथ में, 1 बचा हुआ है जो नेक्स्ट नंबर में हम ऐड करेंगे। 7 3 21 और 1 जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 का मैंने 2 लिखा है, हाथ में 2 बचा हुआ है जो नेक्स्ट नंबर में ऐड होगा। 6 3 18 और 2 ऐड किया मैंने तो 20 हो गया। 20 का 0 हाथ में 2 है। और 5 3 15 और 2 जो हमारे पास बचा हुआ था उसको हम ऐड करेंगे तो 17 का 7 हाथ में 1 बचा। 3 1 3 और 1 जो बचा हुआ था मैंने ऐड कर दिया 4। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद जब हम नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो इधर से एक डिजिट जो है हम छोड़ देंगे। 5 2 10 का 0 हाथ में 1 बचा हुआ है, हम नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे। 7 2 14 और 1 नंबर मैंने ऐड किया 15 का 5 हाथ में 1 बचा हुआ है। 6 2 12 और 12 और 1 13 का 3 हो गया और हाथ में 1 बचा हुआ है। 5 2 10 और 1 11 का 1 हो गया और हाथ में 1 बचा हुआ है। 2 1 2 और 1 3, ये कंप्लीट हो गया आपका। 9 5 45 का 5 हाथ में 4 बचा हुआ है। 9 7 63 और 63 और 4 जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 67। 67 का 7 मैंने लिख दिया, हाथ में आपके 6 बचा हुआ है। 9 6 54 और 6 मैंने ऐड किया है तो यहाँ पे ये 60 हो गया, यानी 60। 60 का 0 मैंने लिख दिया है, 6 हाथ में है हमारे। 9 5 45 और 6 जो ऐड करेंगे हम 51 का 1 लिख दिया है मैंने, हाथ में हमारे 5 बचा हुआ है जो नेक्स्ट नंबर में ऐड करेंगे। और 9 1 9 और 5 14, तो ये आपका। उसके बाद 14 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको आप क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 उसके बाद 2 उसका 5 5 10 का 0 हाथ में 1 7 7 14 14 15 16 17 और 1 जो बचा हुआ है 18 18 का 1 हाथ में 1 बचा हुआ है। 4 1 5 4 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर 4 बचा और फिर 1, ये कंप्लीट आपका हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, मल्टीप्लाई ही है, सी नंबर का 6 नंबर है ये। चलिए ये नंबर है और ये नंबर, दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 का 5 हाथ में 2 बचा हुआ है और 5 3 15 16 17 का 7 हाथ में 1 बचा हुआ है। 5 1 5 और 1 जो बचा हुआ है हम ऐड कर लेंगे, 6 हो गया। और 5 2 10, ये हो गया कंप्लीट आपका। फिर जब हम नेक्स्ट नंबर से ऐड करेंगे तो इधर का एक डिजिट हम छोड़ देंगे। 3 5 15 का 5 हाथ में 1 बचा हुआ है। 3 3 9 और 1 10 का 0 मैंने लिखा है, हाथ में 1 बचा हुआ है। 3 1 3 और 1 जो बचा हुआ है वो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 मैंने लिख दिया है। 3 2 6। फिर जब हम थर्ड नंबर से ऐड करेंगे तो इस डिजिट को भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस डिजिट को भी यहाँ पे छोड़ देंगे। 1 5 5 1 3 3 1 1 1 1 2 2। अब ये सारे नंबर को हम ऐड कर लेंगे। 5 यहाँ पे 7 और 5 को ऐड कीजिएगा 12 का 2 हाथ में 1 बचा हुआ है। 6 5 11 और वहाँ में जो 1 था उसको ऐड करेंगे, 12 का 2 हाथ में 1 बचा हुआ है। 4 3 7 और 1 8 हो गया। 6 7 और 8, ये 8 हो गया और 2। इस तरह करके आपका पूरा पूरा मल्टीप्लाई जो है बन जाएगा। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।